दोस्तों आपको पता है कि यमाहा एक ऐसा ब्रांड है जो कि इंडियन मार्केट में टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है, हमेशा ये लोग टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। सो दोस्तों आज के शुरू में बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू MT15 के बारे में। कुछ कुछ चीज़ें जो है MT15 version 2 इन्होंने लाई थी ना उसमें मिसिंग थी, ये लोगों को इसमें अपडेट करना था बट वो अपडेट ये लोग जानबूझ के नहीं किए ताकि नेक्स्ट जनरेशन में वो चीज़ लेकर आए। सो आज के इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि उसमें आपको क्या क्या नए अपडेट देखने को मिल सकते हैं। सो जो ये वीडियो है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं MT15 के बारे में तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप भाई बात करते हैं अपनी नई वाली MT15 के बारे में। चलिए सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अपडेट्स के बारे में, कंपनी इसमें क्या क्या अपडेट करेगी। देखिए MT15 में जो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा जो अपडेट होने वाला है वो होने वाला है इस बाइक के स्पीडोमीटर में। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है दोस्तों इंडियन मार्केट में अपनी जो R15 M है उसमें कंपनी ने फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन दिया हुआ है किसका, TFT डिस्प्ले का। TFT डिस्प्ले का उन्होंने इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसके अलावा किसी में ऑप्शन नहीं दिया है। बट आपको बताना चाहूँगा दोस्तों अब आप लोगों को TFT डिस्प्ले का जो ऑप्शन है अपनी MT15 में भी देखने को मिलेगा। जी हाँ आप सही समझ रहे हैं, TFT डिस्प्ले जो है अब आपको MT15 में भी देखने को मिलेगा। ये कंपनी सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट इस बाइक में देने वाली है। तो भाई आप बताओ ये अपडेट कैसा लगा, ये अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है इस बाइक के लिए। तो सबसे पहला अपडेट आपको TFT डिस्प्ले में मिलेगा। बात करें इसके नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो अपडेट होने वाला है इस बाइक के इंजन में, लेकिन वो बहुत बड़ा अपडेट नहीं है बट इसके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट रखता है। R15 version 4 रेसिंग ब्लू एंड M जो आती है R15 में उसमें आप लोगों को किक शिफ्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। बट अपनी जो MT15 है इसमें कंपनी ने किक शिफ्टर नहीं दिया, ये एक मुझे माइनस पॉइंट लगता है क्योंकि R15 पहले आई थी उसके बाद MT15 आई थी, फिर भी कंपनी ने किक शिफ्टर नहीं दिया। बट आपको बताना चाहूँगा अब आप लोगों को नई वाली MT15 जो है इसमें आप लोगों को जो किक शिफ्टर है वो भी देखने को मिलेगा। तो ये भी नया अपडेट आपको बाइक में देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है इस बाइक के लिए। बात कर ले दोस्तों बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो अपडेट होने वाला है दोस्तों इस बाइक के ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन में। कंपनी ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन में भी काम करेगी। अब ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन होने वाला कैसा है वो तो आने के बाद पता चलेगा, बट आपको क्लियर करना चाहूँगा इसमें आपको एक जो रेड कलर ऑप्शन है MT15 में जो कि आप थंबनेल में देखे होंगे वो रेड कलर ऑप्शन भी आपको MT15 में देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक नया अपडेट जो है आपको बाइक में मिलने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इस बाइक के लिए। तो ये भी एक अपडेट आपको मिलेगा। बात कर ले दोस्तों बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो होने वाला है इस बाइक के राइडिंग मोड्स में। देखिए आपको पता है कि MT15 में फिलहाल अभी आपको कोई भी राइडिंग मोड का ऑप्शन नहीं दिया गया, बट R15 में कुछ राइडिंग मोड्स मिलते हैं, हालांकि वो भी पावर कट वाले राइडिंग मोड्स नहीं है बट ये है कि मिलते हैं, लेकिन MT15 में वो भी नहीं मिलता। तो अच्छी बात ये है कि अब आपको MT15 में एकदम अच्छे वाले राइडिंग मोड्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको जैसा होता है कि रेन, रोड, सुपर मोटो, उस टाइप के जो राइडिंग मोड्स होते हैं जो कि पावर कम करे पावर बढ़ाए, उस टाइप के राइडिंग मोड्स आपको बाइक में मिलेंगे। तो ये भी एक अपडेट आपको बाइक में मिलेगा MT15 में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि भाई राइडिंग मोड्स का टाइम अब आ चुका है, हर कंपनी लगभग राइडिंग मोड्स में काम कर रही है। बात कर ले दोस्तों बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो वो अपडेट होने वाला है दोस्तों इस बाइक के पिलियन सीट को लेकर। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि पिलियन सीट का क्या कहानी है भाई, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कंपनी बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी। तो उनको मैं क्लियर कर दूं कि भाई ये तो आप भूल जाइए, MT15 में कंपनी ऐसा कोई अपडेट कभी नहीं लाने वाली। रीज़न ये है क्योंकि अगर उसकी पिलियन सीट को बढ़ाई जाती है तो ना यार वो गंदी लगेगी बाइक, मतलब उसका लुक उतना बेहतर निकल के नहीं आएगा जितना अभी निकल के आता है, और उसका लुक भी ख़राब हो जाएगा। तो कंपनी मुझे नहीं लगता कि डिज़ाइन को लेकर कोई काम करेगी, तो पिलियन सीट को लेकर छोड़ दो भाई कि पिलियन सीट बढ़ेगी, और आई थिंक मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट रखता भी नहीं है कि पिलियन सीट बड़ी हो, बाकी अभी भी बाइक अच्छी लगती है, हालांकि थोड़ी सी पिलियन सीट छोटी है बट वो अपडेट कंपनी इसमें नहीं करने वाली। तो ये कुछ अपडेट आपको MT15 में देखने को मिलने वाले हैं। इसकी जो प्राइस रहेगी 4 से 5 हज़ार रुपये के आसपास की बढ़ सकती है दोस्तों। लॉन्च डेट जो ये बाइक आपको 3 से 4 महीनों के अंदर आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। बाकी कौन कौन इसका वेट कर रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।